नहीं थी। अनेक ज्ञान परंपराएं एक साथ पैरेलल रूप से समसामयिक रूप से एककालिक रूप से इस देश में कार्य कर रही थी और पल्लवित पुष्पित फलित हो रही थी, केवल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, केवल स्थित नहीं थी, वे पल्लवित पुष्पित फलित हो रही थी। फिर भी हम ज्ञान परंपरा इसमें लिखा है, ज्ञान परंपरा इस एक वचन का प्रयोग किया है। यदि अनेक परंपराएं थी तो ज्ञान परंपराएं होना चाहिए था। आचार्य त्रिपाठी जी ने अपने उस वक्तव्य का शीर्षक भी दिया है, ज्ञान परंपराएं, भारतीय ज्ञान परंपराएं, कल आज और आज। उनका यूट्यूब पर ये वक्तव्य आप सुन सकते हैं, कल आज और आज, ये उनका वक्तव्य है। उन्होंने बहुवचन शब्द का बहुवचन प्रयोग किया है, लेकिन उसमें उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि हम एक वचन का जो प्रयोग करते हैं उसमें भी एक निहितार, क्योंकि उन्होंने तो दूसरा एक कारण बताया है, वो व्याकरण सम्मत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय ज्ञान विचारधारा या ज्ञान परंपराओं में विविधता होते हुए भी, एक प्रकार की विविधता होते हुए भी, वह एक दूसरे में इतने आपस में मिली जुली हैं, सम्मिश्रित हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है, ऐसी परंपराएं हैं, उन्हें अलग रख करके नहीं देखा जा सकता है। उनका विकास ही इसलिए हुआ है कि वो एक साथ चल रही थी, पैरेलल चल रही थी, इसलिए उन सबको एक सम्मिश्रित रूप में हम भारतीय ज्ञान परंपरा कह सकते हैं, एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान परंपरा का शुरुआत आरंभ अगर हम कहते हैं तो रचना साहित्य, क्योंकि मैं परंपरा का विद्यार्थी रहा हूँ, शास्त्रों का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वेद को का मैं रचना काल नहीं मानता, वेद को हम मैं अनादि मानता हूँ। लेकिन जो लोग रचना काल मानते हैं उनसे मैं अभी बहस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी एक मान्यता है और वो परंपरा से हमारी मान्यता चली आ रही है। मेरे पिताजी भी यही मानते थे, उनके गुरुजी भी यही मानते थे, मेरे गुरुजी भी यही मानते थे, इसलिए मैं मान रहा हूँ। और मेरा यह भी मानना है कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो डिबेटेबल नहीं है, जिसको डिबेट से परे रख करके हमें स्वीकार करना चाहिए। हम पिताजी को क्यों प्रणाम करते हैं, कोई डिबेट होना चाहिए इस पर। इसी तरह से मैं वेद को अनादि मानता हूं। लेकिन रचना साहित्य अगर हम देखें तो प्रथम रचना साहित्य दार्शनिक चिंतन धारा में सूत्र साहित्य माना जाता है। जो भी हमारा चिंतन हुआ सूत्र रूप में आया, किसी को कभी भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र हुआ, इको एणची अथवा वृद्धरादय सूत्र हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, चलता गया हमारा बहुत काल तक। इस प्रकार से केवल सूत्र आधारित, केवल श्रुति आधारित चिंतन चलता रहा। बाद में जब जिस एम्बिग्विटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह सामान्य जनभाषा में, सामान्य प्रयोग में यह एम्बिग्विटी दोष हो सकता है। अगर हम कोई एम्बिग्युअस वाक्य बोल शब्द प्रयोग करते हैं तो लोग कहते हैं, अरे स्पष्ट तो बोलो, ये क्यों घाल मेल करके बात करते हो। लेकिन शास्त्रों में जब एम्बिग्विटी आती है तो वह सौंदर्य बनता है, काव्य में वह सौंदर्य बनता है, जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और उससे जो चमत्कार निकलता है, चमत्कार के साथ साथ वह एक नई चिंतन धारा को अवसर देता है। एक सूत्र के अगर एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो अगर एक अर्थ को लेकर मैंने अपना भाष्य बनाया तो दूसरे अर्थ को लेकर आप भी अपना भाष्य बना सकते हैं। इस तरह से शाखाओं प्रशाखाओं का पल्लवन हुआ हमारी ज्ञान परंपरा में। एक ही सूत्र का से द्वैत दर्शन निकला, उसी सूत्र से अद्वैत दर्शन निकला, उसी सूत्र से विशिष्टाद्वैत दर्शन निकला, शुद्धाद्वैत दर्शन निकला, द्वैताद्वैत दर्शन निकला, अचिंत्य भेदाभेद, और आज तक वह चला आ रहा है। इसी सौंदर्य के कारण जिस एम्बिग्युइटी को हम दोष मानते हैं, जिस अर्थ संशय और अर्थ व्यभिचार निश्चय को हम दोष मानते हैं, वह यहाँ सौंदर्य का के रूप में आया और अनेक शाखाओं का विस्तार हुआ। उन शाखाओं पर परस्पर संवाद हुए। आधुनिक चिंतकों ने, विमर्शकों ने, विशेषकर पाश्चात्य चिंतन से प्रभावित चिंतकों ने कहा कि ये सब तो आपस में लड़ रहे हैं, कोई द्वैत कर रहा है, कोई उसका अद्वैत।